हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पटवारी भर्ती 2023 आ चुकी है, जिसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली हैं और क्या इसके अंदर प्रोसेस रहने वाला है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है हम जानते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। देखिए, आइए जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, इसके अंदर उम्र 18 से 40, पद 2998 और योग्यता 10th 12th पास और आवेदन जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो जान लीजिए पूरे वीडियो के अंदर इसकी भर्ती कब आएगी और यह सीईटी के अंदर रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। तो इस 2023 की पटवारी भर्ती को आप छोड़ना मत और इस अब की बार पटवारी बन के ही रहना है। तो देखिए, पटवारी 2998 पोस्ट हैं, 2998 पोस्टों पर ये वैकेंसी आने वाली हैं और ये राजस्व विभाग द्वारा ये भेजा गया नोटिस है और इसके अंदर बताया गया है 1907 पद रिक्त हैं, जबकि इस वर्ष की बजट घोषणा के अंदर 26 जिले जिसके अंदर 1035 पटवारी सर्कल और 1035 नव सर्जन जो सर्जित पद हैं, इनके अलावा 21 नवीन तहसीलों के अंदर 56 नवीन पटवारियों के पद भी सृजन किए जाएंगे और इस तरह राजस्थान पटवारी भर्ती 2998 पोस्टों पर होने जा रही है। अब इसके अंदर पूरी डिटेल देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट पटवारी कौन सा बोर्ड करवाएगा। तो RMSSB बोर्ड करवाएगा और इसके अंदर 2998 पोस्ट हैं और यदि पे लेवल की बात करें सैलरी की, तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 है के अंदर है, ठीक है ना। और इसके अंदर देखिए वैकेंसी आने वाली है 2998 और राजस्थान पटवारी की और ये सीटी के अंदर रहने वाली नहीं है, ठीक है ना। आप सोच रहे होगे हमारे सीटी क्लियर है या नहीं है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ओनली फॉर 12th पास होगी तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो, ठीक है। आवेदन के लिए यदि सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग की बात करें तो ये 600 रुपये हैं, अनारक्षित तो जो आरक्षित वर्ग हैं सभी वर्गों के लिए 400 रुपये हैं और अभ्यर्थी जो आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके अंदर महिलाओं के लिए SC ST के लिए ये निःशुल्क है, ठीक है ना। अब देखिए, न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र रखी गई है और आयु 2023 के आधार पर मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा OBC EWS और SC ST और आरक्षित वर्गों को सरकार के निम्नानुसार अधिकतम छूट दी गई है। जैसे छूट की बात करें तो देखो यहाँ पे दी गई है छूट किस किस उम्र की, जैसे दो OBC के लिए 2 वर्ष की छूट है और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, ठीक है ना। अब देखिए यदि बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो देखिए जो IT डिप्लोमा है या उच्च कंप्यूटर डिग्री भी इसके साथ होनी चाहिए, जैसे हम कह सकते हैं RSCET, ठीक है ना, RSCET डिप्लोमा होना चाहिए और इसकी योग्यता है जो स्नातक तक रखी गई है और 10th 12th और स्नातक, ठीक है। और यदि बात करें तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो इसके अंदर लिखित परीक्षा होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद ये तो टाइपिंग में और मिस्टेक, ठीक है, मेडिकल चेकअप कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, वो मेडिकल चेक किया जाता है किस कैटेगरी से भरा हुआ है, इसलिए ये मेडिकल चेक किया जाता है, ठीक है ना, वरना ऐसा कोई चेक नहीं किया जाता है। मेडिकल के अंदर यही है कि जो जैसे विकलांग है तो विकलांग से फॉर्म भरना पड़ता है। इस प्रकार राजस्थान पटवारी भर्ती 2023 के लिए वेतनमान में पे मैट्रिक्स 5 का अनुदेय है राज्य सरकार के द्वारा मासिक पे। और देखिए इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो देखो जो GK सिलेबस है आपके इंडियन GK, जैसे जनरल साइंस है, इसके अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंडिया की और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है इसलिए 38 क्वेश्चन 76 नंबर के आएंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की पॉलिटी आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 60 नंबर के, ठीक है। जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों 22 क्वेश्चन मिलेंगे 44 नंबर के और जो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है इसके अंदर GK और रीजनिंग की बात की जाती है उसके अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आएगा आपके 15 क्वेश्चन जिसके अंदर ये 30 नंबर के आएंगे, ठीक है। टोटल पेपर होने वाला है 150 क्वेश्चन का और 300 नंबर का, ठीक है। राजस्थानी पटवारी लिखित परीक्षा में सभी जो पर्सन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उसके अंदर 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है, ठीक है। 150 पर्सन होंगे और प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा। और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पे ऐसी जैसे जाने क्यों हो रहा है मोदी जी की अमेरिका यात्रा का विरोध, ये अमेरिका अभी वर्तमान में मोदी जी गए हुए हैं तो वहाँ पर क्यों विरोध हो रहा है, वहाँ पर खालिस्तानी लीडर के गायब होने पर उठ रहे सवाल, उनका जवाब क्या दे रहे हैं मोदी जी, इस प्रकार से वीडियो हमारे शॉर्ट 10 मिनट्स के शॉर्ट्स देखने के लिए हमारे और डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।